बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं बफर जोन 15A3 में मौजूद हूँ और JDC के पास ख़वातीन ओल्ड एज होम की जगह बहुत कम थी और हम बार बार अपील कर रहे थे कोई शख्स, कोई ऐसा बंदा बंदा खुदा जो अपनी कोई जगह हमें डोनेट करता है जिसमें वो ख़वातीन, वो माएँ, बूढ़ी माएँ जिनको उनके बच्चों ने घरों से निकाल दिया या उनकी औलाद नहीं थी वो सड़कों पर, या कोई उनके किसी रिश्तेदारों के घर में थी वो अस्पतालों के बाहर छोड़ के चले गए और वो शदीद सर्दी में अपनी ज़िंदगी के दिन पूरे कर रही हैं फुटपाथों में। तो ममनून फातिमा साहिबा ने अपना घर डोनेट किया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ क्या सिलसिला है और ये अंदर चल रहे हैं, बफर जोन में मौजूद हैं। अब यहाँ पर सारा फर्नीचर वगैरह हम खरीद रहे हैं। 1 जनवरी 2024 के बाद आप किसी भी ऐसी खातून को यहाँ पहुंचा सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अस्सलाम वालेकुम ममनून आंटी, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? मैंने कहा आपको मुबारकबाद दे दूं, यहाँ पर अब उन बुजुर्ग औरतों को जिनको उनकी औलादों ने निकाल दिया घर से या उनका कोई नहीं है दुनिया में, उनकी यहाँ रिहाइश के इंतजाम करने जा रहे हैं। और मैंने कहा सबसे पहले आपको मुबारकबाद दे दूं, आपसे दुआएं ले लूं और अल्लाह ताला आपको और आपके मरहूम शोहर को इसका अजर देगा कि आपने इतना बड़ा हौसला, इतनी हिम्मत से ये जगह डोनेट की है और खुदा आपको इसका बहुत अजर देगा। कैसा प्रोजेक्ट लग रहा है कि बुजुर्ग औरतों के लिए कैसा रहेगा ये? मैं देखो बेटा, मैं बताऊं, मेरी ख्वाहिश ही ये थी कि मैं दारुल रहमान बनूं। सही, मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, मेरी ख्वाहिश ये थी। आपकी ख्वाहिश पूरी हो रही है? देने से पहले मेरी ख्वाहिश थी कि मैं दारुल अमान, मैं ईद पे देखती हूँ जो औरतें रोती हैं जिनके बेटे छोड़ छोड़ के जाते हैं। अब आंटी वो औरतें आपके साथ रहेंगी यहाँ, सही है ना? खुश हैं? बहुत शुक्रिया। मैं बहुत खुश हूँ, मेरी तो मुराद पूरी हो रही है। अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। मेरी मुराद पूरी हो रही, मैं दारुल अमान ही चाहती थी बनाना। बन गया आंटी, इसका नाम अब आपसे मैं पूछूंगा इसका नाम क्या रखना है जगह का, ठीक है? जानेंगे। और ये मैं देखने वाले लोगों को बता दूं, यहाँ जो औरतें रहेंगी ना वो टीवी पे आएंगी, ना वो मॉर्निंग शोज में लेकर आएंगे उन बुजुर्ग औरतों को, ना हम उनके नाम पे भीख मांगेंगे, ना उनको उनकी जो जरूरत होगी, अगर उनको उमरा भी कराना है हमारा इदारा उमरे पे भेज देगा। आप देख लें, आज तक हम अपने बुजुर्गों को कभी टीवी पे लेकर नहीं आए, हमने उनकी मजबूरियां बेची नहीं है। आए मैं आपको दिखा लूं क्या क्या यहाँ पर जरूरत है। अभी देखिए यहाँ पर तमाम हर तरफ अभी फर्नीचर डल रहा है। यहाँ पर जो बेड चाहिए, तकरीबन 15 रूम है यहाँ पर टोटल, मैं आपको दिखा देता हूँ ऊपर के फ्लोर भी। आए आंटी, मैं ऊपर का दिखा गया। अच्छा, लेकिन यहाँ पर 15 कमरे हैं, बड़े कमरों में 4 बेड आ जाएंगे, तो तकरीबन लगभग 60 के करीब 60 के करीब मार्बल वगैरह हर चीज हुई है, ग्रिल वगैरह लगी हुई। देखें देखें कितने बड़े कमरे हैं, ये सब बड़े बड़े कमरे हैं सारे, ये देखें सब बड़े कमरे हैं। तो अब यहाँ पर हमें चाहिए हर फ्लोर पे और इसके अलावा बराबर में भी बहुत बड़ी जगह है, तो ये तकरीबन यहाँ सोफे वगैरह लग जाएंगे, टीवी लॉन्च बन जाएगा। 15-60 के करीब हमें बेड चाहिए और उसके अलावा 15 TV चाहिए, 3 वॉशिंग मशीन चाहिए, तकरीबन 4 फ्रिज चाहिए। ये तमाम चीज़ें चाहिए जो हम अरेंज कर रहे हैं, और अगर कोई अपनी जानिब से, अपने मरहूमिन की जानिब से देना चाहता है वो हमसे रब्ता कर लें। 1 जनवरी 2024 से यहाँ बुजुर्ग औरतों को रिहाइश दे दी जाएगी। आपको कोई भी खातून नजर आए या आपकी नज़र में कोई ऐसी खातून हो जिन पर तशद्दुद होता हो, जिसको उनके बच्चे मारते हों, या कोई भी शख्स उन पर जुल्म कर रहा हो, उनका कोई नहीं है दुनिया में, आँख बंद करके यहाँ दे जाएँ, कभी उनका तमाशा लगते हुए नहीं देखेंगे। इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा और जितना दूर तक मैसेज जा सकता है पहुँचा दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।